हम पढ़ रहे हैं माइनर कंप्लेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पहली पढ़ी डेंगिवाइटिस, सेकंड थी हमारी सहलोरिया या टाइलिज्म, थर्ड कंप्लेंट इज हार्ट बर्न। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होती है या प्रेग्नेंट लेडी होती है, इसकी जो ये कंप्लेन है ना, कॉमनली ये रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट की वजह से होती है। लोअर इसोफेगस में क्या होता है, जो इंस्पेक्टर होता है, कार्डियक इंस्पेक्टर बोलते हैं लोअर इसोफेगस के इंस्पेक्टर को, वो मैकेनिकली रिलैक्स हो जाता है। उसको कॉन्स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, अब उसमें जगह बन गई, तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं उनका रिफ्लेक्स होना स्टार्ट होता है। इसकी वजह से हार्टबर्न की शिकायत होती है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, जैसे मैंने कहा कि रिलैक्सेशन होता रहता है कार्डियक स्ट्रक्चर का, इसकी वजह भी तो होती होगी कोई रिलैक्सेशन की। इसकी वजह होती है स्टमक का अपवार्ड डिस्प्लेसमेंट और कंप्रेशन। लेकिन ये करता कौन है, स्टमक को जहां होना चाहिए वहीं रहना चाहिए, तो ऊपर की तरफ कौन धक्का दे रहा है, कौन पुश कर रहा है? द आंसर इज प्रेग्नेंट यूट्रस। तो जैसे नॉर्मल फीमेल में क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, जिस जगह पे यूट्रस है वहीं रहता है, स्टमक जाए वहीं रहता है, तो कार्डियक इंस्पेक्टर पे भी कोई पुशोश नहीं लगता है। प्रेग्नेंट लेडी को क्या होता है कि गैस्ट्रिक कंटेंट, जो कार्डियक इंस्पेक्टर होता है, मैकेनिकल रिलैक्सेशन हो जाता है उसका, गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर की तरफ जाते हैं, हार्टबर्न होने लगता है। और जाते क्यों है, क्योंकि प्रेग्नेंट यूट्रस ऊपर की तरफ स्टमक को पुश भी करता है, डिस्प्लेस भी करता है, दबाता भी है, तो इस वजह से हार्टबर्न हो जाता है। कई बार क्या होता है, जो कार्डिया होता है इसोफेगस का, वो हर्निएट कर जाता है डायफ्राम के थ्रू, कई बार इतनी ज्यादा कंप्रेशन या डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक, तो ये तो बात की बात है, फिर कब क्या करेंगे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, 99% ऐसा नहीं होता है, 1% केस में हर्निएट होता है। अब बात आती है कि हार्टबर्न होगा अगर किसी को, और वो पेशेंट आपके पास आएगी, लेडी पेशेंट, तब आप उसे क्या ट्रीटमेंट दोगे, तो उसको बोलोगे आप बार बार खाइए, लेकिन छोटे छोटे मील्स लीजिए। जैसे 4 रोटी की भूख है तो भाई 2 रोटी खाइए, एक बार में 4 मत खाइए, थोड़ी भूख छोड़ दीजिए, पेट खाली रहेगा, जगह रहेगी, पुश करने पे भी स्पेस रहेगा, तो हार्टबर्न की कंप्लेन नहीं होगी, कंटेंट रिफ्लक्स नहीं करेंगे। तो हम लेडी पेशेंट को क्या काउंसिल करेंगे कि भाई खाना एक बार में फुल पेट भर के मत खाइए, बल्कि छोटे छोटे मील्स के रूप में, आप चाहे दिन में 4 बार खा लो 2 बार की जगह, बट छोटे छोटे मील्स लीजिए। सेकंड, आपको क्या काम करना है, आप पेशेंट को बताएंगे आप पैरों को मोड़ के ना सोएं, अवॉइड बेंडिंग ओवर, और चित ना लेटे, जिसे हम कहते हैं फ्लैट लेटना, फेस आसमान की तरफ करके पूरे हाथ पैर फैला के ना लेटे। ये आप फीमेल को काउंसिल करोगे और उसको बोलोगे कि जब करवट से भी लेटे तो बेंट ना करें, पैरों को मोड़ के, घुटनों को मोड़ के ना लेटे, जिससे कि और कंप्रेशन बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा, तो हार्टबर्न की प्रॉब्लम और बढ़ेगी, तो हमें तो कम करनी है। ठीक है, तो 2 बातें हो गई यहाँ। तीसरी में एंटासिड आप बिल्कुल दे सकते हो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वाला, जो कि एल्केलाइन नेचर का होता है। पेट में क्या होता है, हमारे स्टमक में क्या सीक्रेट होता है, एल्कली के एसिड, द आंसर इज एसिड, HCl, जो हमारे स्टमक में HCl का सीक्रेशन होता है, और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्केलाइन नेचर का होता है, तो एल्कली एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट अप्लाई की जा रही है। ठीक, तो एंटासिड जिसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो, इसको हम प्रीफर करते हैं, ये बफर कर देते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट को, बफर मतलब ये न्यूट्रलाइज, और इनकी वजह से एसिड रिबाउंड रुक जाता है। इस पर लिखा ना, डू नॉट कॉज एन एसिड रिबाउंड, तो एसिड रिफ्लक्स नहीं होती है, इसका ये फायदा मिलता है, और ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसकी वजह से एल्केलोसिस होने का भी खतरा नहीं रहता है, नो खतरा, समझ गए। तो ये थर्ड स्टेप पे आप यूज करोगे। तो यहाँ जो माइनर कंप्लेन में हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, सिक्वेंस में ही करना, पहले काउंसलिंग करना, उससे काम ना चले तो उसको अवॉइड करने के लिए बताना कि बहुत ज्यादा फूड नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है, कई बार खाना है, उससे भी काम ना चले तब थर्ड नंबर पे आप एंटासिड देना। देखो, तो फंडा तो वही रहेगा ना, जितना
बच सकें मेडिकेशन से उतना बचना है, कब? प्रेगनेंसी में। फोर्थ कंप्लेन होती है मोस्टली पेशेंट को, बड़ी ही फेमस कंप्लेन है ये, कॉन्स्टिपेशन। तो फोर्थ माइनर कंप्लेन है ये। इसके कॉज क्या होते हैं, फिर इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं वो आप समझ लीजिए। जो कॉज होते हैं वो आपको याद रखने हैं, 1 2 3 4। पहली बात, पेशेंट जब फीमेल पेशेंट, फीमेल जो होती है प्रेग्नेंट होती है, तो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी उसकी जो होती है वो घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसके पीछे हाथ किसका होता है, स्टेरॉइड हार्मोन की साजिश होती है मोटिलिटी कम करने की। अब जब ये साजिश कामयाब हो जाती है तो जो फ्लूइड का रिजॉर्प्शन होता है लार्ज बॉवल से, लार्ज इंटेस्टाइन से, वो इंक्रीज हो जाता है। अब जरूरत से ज्यादा फ्लूइड पॉटी में से खींच लेगी बॉडी, तो पॉटी तो ड्राई होने लगेगी ना। अब ड्राई पॉटी निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मीन्स कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ कॉमन की बात है कि स्टेरॉइड हार्मोन मोटिलिटी घटा देते हैं और लार्ज बॉवल से एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं फ्लूइड का। ठीक। तीसरा, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो बहुत ज्यादा उसको बोला जाता है उछल कूद कूद फांद नहीं करनी है, तो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएगी, तो एक्सरसाइज रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो मोटिलिटी है, रूटीन है, वो बना रहता था, वो डिस्टर्ब हो गया, इससे भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। चौथा, जो ग्रेविड यूट्रस है जिसकी वजह से हार्टबर्न भी हो रहा था, वही कंप्रेशन करेगा, किसका, रेक्टम का, लार्ज इंटेस्टाइन का कंप्रेशन करेगा। तो एक तो पानी कम हुआ, चिकनाई कम हो गई, दूसरा मोटिलिटी कम हो गई, धक्का देने वाले लोग कम हो गए, उसको पॉटी को आगे भेजने के लिए धक्का कम मिल रहा है, उसको चिकनाई कम हो गई है, मूवमेंट कम हो गया, एक्सरसाइज कम होने से। चौथा, ऊपर से क्या, जो यूट्रस है वो जो रास्ता था उसको प्रेस करके, कंप्रेस करके नैरो कर रहा है, तो आसमान से गिरे तो खजूर में अटके, खजूर से गिरे तो बबूल में अटके, मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम है उस पॉटी के लिए बाहर निकलने की। तो पॉटी बाहर ना निकले, वही कॉन्स्टिपेशन है। तो ये चारों जब एक साथ वर्क करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन तो बड़े से बड़े अच्छे महावीर को हो जाएगा, सूमा को हो जाएगा। अब सवाल ये है, इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ट्रीटमेंट क्या होगा। पहला फंडा तो आपको याद ही होगा ट्रीटमेंट का, कि हर प्रॉब्लम में, चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो, अवॉइड करेंगे हम ड्रग थेरेपी, इवेकुएट बॉवेल सेम टाइम एवरी डे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको हल्के मत लेना। मान के चलो किसी दिन पेशेंट ने मॉर्निंग में पॉटी की, किसी दिन दोपहर में, किसी दिन शाम में, तो रूटीन अगर उसका इस तरह से है, इरेगुलर हैबिट है, तो ये अपने आप में प्रेगनेंसी के बाद भी कॉन्स्टिपेशन का रीजन बन सकता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी कॉन्स्टिपेशन, चाहे वो प्रेगनेंसी में हो चाहे प्रेगनेंसी के बाद, उसके लिए जरूरी है कि एक फिक्स्ड हैबिट होनी चाहिए बॉवल से फीकल मैटर को पास करने की। ठीक। तो एवरीडे वो अपना चुन ले। दूसरा, फ्लूड इंटेक बढ़ा ले, क्योंकि भाई लार्ज इंटेस्टाइन से फ्लूड खींचना ज्यादा स्टार्ट कर दिया है बॉडी ने, तो पॉटी ड्राई ना होने पाए, चिकनाई गीलापन बना रहे, उसके लिए फ्लूइड आइटम ज्यादा ले, पानी भी ले, जूस भी ले, और जो भी फ्लूइड लेना है। जो डाइट है वो ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रैन और फ्रूट से भरपूर होनी चाहिए। ये नहीं कि पिज्जा भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, सैंडविच भी मंगाए पड़े हैं, नूडल्स भी चल रही हैं, मैगी भी चल रही है, जितने भी जंक फूड है सब बंद करना है, बिल्कुल बंद करना। अवॉइड करना और बंद करने में फर्क होता है ना। अवॉइड में होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम बचते हैं, कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो एकदम स्ट्रिक्टली 90 डेज तक बिल्कुल जंक फूड नहीं लेने हैं। चौथी बात, अब अगर आपने पहला स्टेप लिया, दूसरा स्टेप लिया, थर्ड स्टेप लिया, इन तीनों से बेनिफिट हुआ तो बहुत अच्छा, ड्रग से बचा लिया हमने। लेकिन अगर फायदा नहीं हुआ तो फिर हम चौथे मेथड पे आएंगे। इसमें क्या करना है कि जो माइल्ड लेग्जेटिव्स होते हैं, जैसे सेना प्रिपरेशंस, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड पैराफिन, ये इंटरफेयर करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन में, तो इसको अवॉइड करते हैं, इसको नहीं देते हैं, सेना प्रिपरेशन को देते हैं। सबसे अच्छा जो फाइबर है ना, इस वगुला, तो वो ज्यादा बेस्ट है।
तो वो दीजिए, फ्रूट दीजिए, जूस दीजिए, वाटर ज्यादा से ज्यादा ले, फिक्स्ड हैबिट रहे, सोने का जागने का टाइम फिक्स रहे, खुश रहे, स्ट्रेस ना हो, तो दिस प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन जिसे कहते हैं, ये उसकी दूर हो जाएगी प्रेगनेंसी में। बाद में तो फिर ठीक हो ही जाता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है तो जितने भी उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं वो भी टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पांचवी कंप्लेन।